हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप मुझे बहुत बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद देख रहे हो गए। आई होप आप सब ठीक हो गए और मैं भी अभी ठीक हूँ, ओके हूँ, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं बीमार थी। मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, मेरे को टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी। मैंने वीडियो शूट करके रखे थे पर मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे बोलने नहीं हो रहा था, मतलब मैं फास्ट फास्ट नहीं बोल पा रही थी जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ आपके साथ, और वॉइस ओवर में तो इससे भी फास्ट बोलना पड़ता, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे आके पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को पर्सनल मैसेजेस करके क्या हुआ, क्यों नहीं अपलोड कर रही है। थैंक यू सो मच एवरीबडी। पर अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। अभी बहुत पुराने व्लॉग्स है, अभी के व्लॉग्स नहीं है, बहुत पुराने व्लॉग्स है। तो मैं ये 2-3 व्लॉग्स आपको पुराने मिलेंगे, उसके बाद अच्छे फ्रेश व्लॉग्स डालूंगी, पर ये पुराने 3 व्लॉग्स आपको मिलेंगे। ओके, तो आप मेरे व्लॉग्स इंजॉय करो एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड सॉरी मैं नहीं आ पाई, पता नहीं मेरे को अभी भी टॉन्सिल्स दर्द कर रहे हैं आज। एक्चुअली फीवर वीवर चला गया था लास्ट, पर मैं गैप दे रही थी क्योंकि वापस मेरा क्या सीन चल रहा था कि फीवर आ रहा था 10 डेज ठीक थी, फिर वापस फीवर आ रहा था 10 डेज ठीक थी, तो हमने डॉक्टर चेंज किया, तो डॉक्टर चेंज करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसलिए अभी मैं बोल पा रही हूँ। बस बोल तो रही थी पर प्रॉब्लम था कि मैं टॉन्सिल्स पेन हो रहा था मुझे, और ऐसे ऐसे कॉफ बहुत हो रहा था, इन्फेक्शन था ना चेस्ट में, इसलिए। तो मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर लो आप, और मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया, आई होप आपने भी मुझे बहुत मिस किया। तो मेरे व्लॉग्स देख लो, स्टे ट्यून्ड। तो ये मैंने साबूदाना खिचड़ी बनाई थी मम्मा के लिए और मेरे लिए, ब्रेकफास्ट का टाइम था तो हमने साबूदाना खिचड़ी बनाई। उसके बाद ब्रेकफास्ट खाने के बाद फिर मैं लग गई थी प्रिपरेशन के लिए, लंच के प्रिपरेशन के लिए। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया था, बॉईल करने रख दिया था, और ड्राई बादाम और काजू भिगाने रख दिए थे गर्म पानी में, उसको बादाम अच्छे से छील के थोड़ी देर के बाद भीगने के बाद बादाम अच्छे से छील के इसका हमें पेस्ट बनाना है। और देखो मेरा थोड़ा सा आवाज़ अभी भी थोड़ा सा वैसे मोटा मोटा आता रहेगा आपको, तो प्लीज़, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा सा कोल्ड है। तो यहाँ पे मसाला बनाते हैं, इसके लिए मैंने 4 बड़े बड़े मीन्स मीडियम साइज़ के टमाटो लिए है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती और मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से लेना, तीखा जैसे आप खाते हो। और काजू बादाम हमने मिक्सर में डाल दिया, और ये सारा मसाला भी हम ग्राइंड कर लेंगे। और बहुत मिस किया मैंने आप सबको, और पता नहीं अभी मैं कंटिन्यूसली व्लॉग कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही है थ्रोट में, मुझे ऐसा लगता है मुझे टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत तकलीफ़ दे रहा मेरे को ये टॉन्सिल्स, इसलिए मेरे को लगता है मेरे को ऑपरेशन करना ही होगा। डॉक्टर भी मुझे बोला कि आप क्यों इतना सहन कर रहे हो टॉन्सिल्स की वजह से, आप कर लो, टॉन्सिल्स ही तो है, कौन सा बड़ा ऑपरेशन है, थोड़ा सा एक दिन का ही एक घंटे का 15-20 मिनट का ही ऑपरेशन होगा, एक दिन में आप ठीक हो जाओगे। तो मैं सोच रही करके ही लो, क्योंकि मम्मा देखो अभी मेरे मम्मा से भी बात करती हूँ और मेरे हस्बैंड से भी बात करके देखती हूँ क्या सीन है। उन लोग तो हस्बैंड बोल रहा है करके ले ऑपरेशन, और छोड़ो मेरी बातें, हम यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या डाला है। मैंने चिली पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून, और फिर हमारे सारे गरम मसाले जो हमें लगते हैं नॉर्मली यूज़ करते हैं, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सब मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। धनिया पाउडर मैंने 2 टेबल स्पून डाला था,
और तीखा कम ज़्यादा आपके हिसाब से रखो। मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर यहाँ पे मैंने देर ही डाला है, पर मैं थोड़ा सा और मिक्स किया था धनिया पाउडर बाद में, और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी मिक्स कर ली है। और उसके बाद हल्दी मिक्स कर मैं ये मैंने जीरा पाउडर भी डाला था। जीरा पाउडर मैं फ्रिज में रखती हूँ, मैं बाहर नहीं रखती जीरा पाउडर। पता नहीं वो तो अजीब सा, वो छोटे छोटे ये होते हैं ना कीड़े, वो मेरे हमेशा जीरा पाउडर में ऐसे ही लग के आते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा सा ही पानी डालना है, थिक ग्रेवी रखना है, ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं रखना है। और फिर यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ, मैंने आपको डिश का नाम ही नहीं बताया, बटर पनीर मसाला। और यहाँ पे मैंने पनीर लिया था, इस पर थोड़ा सा तेल डाला था और पनीर डाला था। उसके बाद हम लोग को पनीर को सॉटे करना है, फ्राई नहीं करना है क्योंकि वो फ्राई हो गए वो एकदम चुवी चुवी हो जाता है रबर जैसे, इसलिए मैं पनीर को थोड़ा सा सॉटे करके ले रही हूँ। फिर नमक डाला था मैंने और फिर मसाला डाला था और इसे थोड़ा सा सॉटे कर रही हूँ यहाँ पे। और याद रखना पनीर को ज़्यादा फ्राई ना करें क्योंकि फिर वो चुवी चुवी हो जाता है ना, तो फिर वो उसका मज़ा नहीं आता। एक्चुअली मैंने, अगर आप लास्ट टाइम भी मैंने शाही पनीर और बनाया था, तो मैं कभी पनीर को फ्राई नहीं करती, पर इसमें मैंने फ्राई कर लिया है, पनीर को थोड़ा सा सॉटे कर लिया है। इसे दोनों साइड से अच्छे से थोड़ा सा सॉटे कर लो, फिर इसको साइड में रख दो निकाल के। फिर ये कैप्सिकम मैंने ऑप्शन ऑप्शन में रखा है, अगर आपको डालना है डाल सकते हो, वरना कैप्सिकम आप रहने दो। ओके, मैंने मुझे खाना था कैप्सिकम, मुझे अच्छा लगता है कैप्सिकम पनीर के साथ खाने के लिए, इसलिए मैंने डाला था। और जो लोग नए आए हैं और मेरे को मिस किया आपने, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरे को ढेर सारा प्यार दो आपका। और मुझे मेरे पुराने व्यूअर्स जो मेरे को मिस किया होगा ना, तो जल्दी से जाके लाइक कर दो। अब वीडियो देख के जाते हो और लाइक नहीं करते, ठीक है, और कमेंट भी कर लिया करो। और यहाँ पे मैंने फिर तेल थोड़ा सा बटर डाला था और यहाँ पे फिर मैंने जीरा लिया था और दालचीनी ली थी और तेज पत्ता लिया था एक, और इसको अच्छे से सॉटे कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक लिया था, लहसुन लिया था, थोड़ा सा लहसुन लिया था, इसे बारीक बारीक काटा था। और इसे अभी अच्छे से सॉटे करना है, इसे अच्छे से ब्राउन करना है कि वो फ्लेवर आ जाए गार्लिक का उस ग्रेवी में। फिर यहाँ पे मैं एक प्याज प्याज लिया था, इसे बारीक काट लिया था मेरे अच्छे से कटर से। और यहाँ पे मैंने इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेना है, थोड़ा सा ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन मत करें, ट्रांसल्यूशन हो जाए ना ऑनियन, वैसे वैसे रखना है। और फिर हमारा ग्रेवी इसमें मिक्स करके इसमें डाल दो, सॉरी मिक्सर से निकाल के इसमें डाल दो, और अच्छे से मिक्स करना है प्याज के साथ। देखो मैं बोल भी नहीं पा रही थी ना, थोड़ा सा गला एकदम खराब खराब सा है, इग्नोर करो मेरे आवाज़ को। मैंने ऐसे रख रही एकदम वीडियोस बना के रखा है ना, तो मैं अभी फ्रेश वीडियोस डाल भी नहीं बना भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन एकदम भरा हुआ है ओल्ड वीडियोस से, इसलिए मैं न्यू फ्रेश वीडियोस बना भी नहीं पा रही हूँ। और मैंने वहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे शुगर डाला है। और देखो कैसे मैंने थोड़ा सा ग्रेवी एकदम थिक होना चाहिए, ठीक है, उसका पानी एकदम इवेपोरेट होना चाहिए, सूख जाना चाहिए, और फिर आप नया पानी डाल सकते हो, जितना आपको थिक ग्रेवी चाहिए उतना। अच्छे से भून के लेना है ये मसाले को, ठीक है। मैं वो ही बोल रही थी, और मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, ठीक है, फ्लेम।
मैं वही बोल रही थी कि मैं अभी फ्रेश वीडियोस बना भी नहीं पा रही हूँ। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत दिनों के बाद, तब भी मैं अभी तक फ्रेश वीडियोस नहीं बना पाई। यही मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है आपके लिए, वो ही फ्रेश है। बाकी ये सब वीडियोस पुराने हैं, क्योंकि ये सब पुराने वीडियोस इतने सारे हैं कि कि मेरा फुल मेमोरी फुल हो गया। ये पूरा बॉयल तो फिर आप डिश की तरफ बढ़ते हैं। बॉयल आने के बाद ग्रेवी को यहाँ फिर मैंने पनीर डाला है और मेरा कैप्सिकम डाला है। फिर यहाँ पे मैंने बटर डाला है, आपको घी बटर डाला है, और घी बटर के ऊपर मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाली डाली है। उसे तो बटर को ना थोड़ा सा पिघलने दो। अगर बटर नहीं है तो आप ये भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, ठीक है। और जो पिघलने दो, और उसके बाद ही आप कस्तूरी मेथी डालिए थोड़ी सी। मैंने पिघला पिघला नहीं है, मैंने ऐसे ही डाल दिया था, पर मैं आपको बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा पिघलने दो। फिर यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम लिया था अच्छे से फेंट के। आप अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर की मलाई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम लिया था, और इसे अच्छे से गार्निश कर लो फ्रेश क्रीम से। अगर आपको गार्निश करने से पहले ही इसमें डालना है थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, तो आप डाल सकते हो, ठीक है। और फिर अच्छे से गार्निश करके यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल दो। और अगर आपको मिर्ची खाना है इसमें, मिर्ची अगर ऊपर से डालना है वो डाल सकते हो। और जिंजर जूलियंस में काट के मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट काट ले पतला सा, वो भी आप डाल सकते हो। और थोड़ा सा दम पे रख दो सब गार्निश करके, और मस्त यमी सब बटर पनीर मसाला एकदम रेडी है, एकदम टेस्टी लग रहा था। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर आके बताना। आप बताते नहीं हो मुझे, अगर डिशेस ट्राई किया तो आके ज़रूर बताना। वेरी नाइस। पनीर बटर पनीर वेरी नाइस। In France, never get like that. Indian, lovely. Tasty. Tasty. Okay, very nice. Thank you very much. God bless you. Thank you. हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आई थिंक सो लाइट थोड़ी सी कम है, मेरी जो ट्यूबलाइट है ना वो बंद है, तो मैंने उधर की ट्यूबलाइट लगाई है दूसरी साइड की, और इसलिए लाइट थोड़ी सी कम होगी। अब मैं और मम्मा नीचे जा रहे हैं पानी पूरी खाने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जाते हैं पानी पूरी खाने के लिए। तो आई होप आप सब ठीक होगे, तो मेरे साथ जुड़े रहो और देखते आज हम क्या क्या खाते हैं वहाँ पे बाहर। मम्मी को फर्स्ट टाइम लेके जा रही है और मम्मी बहुत दिन के बाद पानी पूरी चाट खाएगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। सी माय मदर, आज का लुक है मेरे माँ का, मम्मी स्माइल। मेरे मम्मी को बहुत और लग रहा है ये सब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो, और बहुत परेशान हो जाती है। ओके, तो नाउ हम आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू ईटिंग चाट? चाट आई एम ईटिंग आफ्टर 9 इयर्स। मम्मी आई हैव गॉट मैरिड ओनली 8 इयर्स इज बिकम। बिफोर दैट आल्सो आई डिडन ईट, नो आफ्टर दैट आई डिडन ईट आल्सो। डू यू लेटर व्हाट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट एनीवे 8-9 इयर्स नाउ दिस इज 9th ईयर गोइंग ऑन। ओके चलो नाइन इज गोइंग ऑन, चलो देन विल गो डाउन। ओके मम्मी यू लुकिंग प्रीटियर देन मी, व्हाई लाइक दैट? आई लुक ऑलवेज प्रीटी। वेयर इज स्मार्ट, यू ड्रेस अप सो मच, आई डोंट ड्रेस अप। Mommy is looking. Animals, bro.
Mummy's got up. Come, 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 come. Hello, boy. Hello, boy. Hello, boy. Mummy, please. Hello. How are you? I don't know what she's doing. She's just doing something. What you did? Animals. But what you spoke to him? Hello. Kaisa hai? Baba is na. She's an animal lover. Yeah. And I'm very scared of street dogs. He's not a street. He's got a. No, he's street dog only. Oh, mama, they all street dogs in our colony has tag. We have these people have put. Yeah. Yeah. So they know that. They will not bite you. No, they will bite me. They are not in anybody's house. Animal, no, we must talk to them. Then they be friendly with us. They know who is what and who is not. So we must be very friendly with animals. When they bark also, we must stand there and there. Not move. I love dogs, but pet dogs. Not street dogs. How mean you? I'm not mean. I'm scared. और यहाँ पे हम आए थे चाट कॉर्नर. हमको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हमारे कॉलोनी में ही है चाट कॉर्नर. सब हमारे कॉलोनी में. यहाँ पे पानी पूरी खाया था हमने. और फिर शेवपूरी खाया था. फिर हमने कॉकटेल जूस भी पिया था आधा आधा, क्योंकि वो मुझे ठंडा जम नहीं आया था, इसलिए हम उन्होंने आधा आधा करके खाया था. मेरी माँ को जितना पसंद नहीं आया लगता है. बड़ा अलग ही आदत है ना उनको. ब्यूटिफुल वाटरफॉल है ना यहाँ पे. नो कितना अच्छा लग रहा है. देखो वाटरफॉल है हमारे इधर. हमारे गेट के वहाँ पर ही है. कितना अच्छा लग रहा है. मम्मी फॉल इनसाइड हा. वेट. ये कितना अच्छा लग रहा है ना एकदम. ग्रीनरी. देखो तो हम घर आ चुके हैं. बहुत सारा खा के और मम्मी थक गई है. बहुत थक गई हूँ एंड बहुत खाया. कैसा था? Very nice. You like it? After 8 years I'm eating pani puri. But nothing can beat vadala chaat. Yeah, nothing. Not like vadala pani puri. Nothing like vadala. Not even a skin. Nail. I like vadala pani puri very much. We are so used to वड़ाला eating ना. हम लोग इतना अच्छा लगता है. हमारा जो हमारा घर है ना वड़ाला, हमारा जगह. तो मुझे तो यहाँ का खाना भी पसंद नहीं. यहाँ के रेस्टोरेंट्स के खाने भी पसंद नहीं है. तो अभी चाट भी मुझे पसंद नहीं है यहाँ का. नथिंग कैन बीट वड़ाला चाट. वड़ाला पानी पूरी कुछ भी नहीं है. मम्मा को भी पसंद नहीं आया. हाँ, दही पूरी बहुत अच्छा होता है यहाँ का. दही पूरी अच्छा होता है. फॉर मी इट वाज वेरी नाइस बिकॉज़ शी डी नीड दही पूरी ऑफ वड़ाला. व्हेन शी विल ईट दही पूरी ऑफ वड़ाला. आई ईट एवरीथिंग ऑफ वड़ाला. मॉम डोंट टेल मी दैट. दही पूरी. यू ईट वड़ाला दही पूरी. आई ऑल एवरीथिंग आई ईट ना सो मेनी आईज गॉन अवर देयर. नहीं पर ओके दही पूरी अच्छा था यहाँ का. पर वड़ाला जैसे तो कुछ भी नहीं है. वड़ाला का चाट वड़ाला का चाट है. तो अभी हम लोग जाके फ्रूट्स भी लेके आए हैं. यहाँ पे मैं पपाया लाया मम्मा ने. पपाया और कीवी
पोमोग्रेनेट लाया और ये मेरा बैच और पपाया है ये। और अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ यहाँ पर ही। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट, गिव मी लॉट्स ऑफ लव एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। बाय, से बाय, बाय, गुड नाइट, बाय।